30 साल बाद आप लोग रह नहीं पाएंगे। का बस चले तो गृह युद्ध आज ही से शुरू कर दो। गृह युद्ध का तो तैयारी है ही, डेमोग्राफी चेंज हो ही रहा। 30 साल बाद भारत में बांग्लादेश जैसे हालात, बदलती डेमोग्राफी, बढ़ती आबादी से चुनौती। 2054 में गृह युद्ध, निशाने पर होंगे हिंदू। आखिर 2054 को लेकर इतनी बड़ी भविष्यवाणी क्यों की जा रही? क्या 30 साल बाद भारत में गृह युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं? क्या भविष्य में बढ़ती आबादी भारत के लिए बड़ा खतरा बन जाएगी? और अगर ऐसा होता तो निशाने पर कौन होगा? इंदौर में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये आकलन उनका नहीं बल्कि सेना के एक रिटायर्ड अधिकारी का। मिलिट्री के रिटायर ऑफिसर, वो काफी सामाजिक काम में, उन्होंने कहा 30 साल बाद इस देश के अंदर गृह युद्ध प्रारंभ हो जाएगा, 30 साल बाद आप लोग रह नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति बन सकती है जिस प्रकार की हमारे देश के अंदर डेमोग्राफी बदल रही है। कैलाश विजयवर्गीय अकेले नेता नहीं है जो देश की डेमोग्राफी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी इसे लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। गृह युद्ध का तो तैयारी है ही, डेमोग्राफी चेंज हो ही रहा है। अगर किसी को नहीं दिखाई देता है, वोट के लिए अंधे हो जाते हैं क्योंकि अलायंस किए हैं। वही कांग्रेस ने इस आशंका पर बीजेपी पर निशाना साधा, देश में गृह युद्ध जैसे हालात बनाने का आरोप लगा। कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो बयान दिया है कि 30 साल के बाद गृह युद्ध हो जाएगा, ये उनके दिल की ख्वाहिश है और वो तो उनका बस चले तो गृह युद्ध आज ही से शुरू कर दे। अब सबसे पहले समझिए कि आखिर कैलाश विजयवर्गीय और गिरिराज सिंह 2054 को लेकर ऐसी आशंका क्यों जाहिर कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है तेजी से बदलती भारत की डेमोग्राफी। आंकड़े बताते हैं कि बीते 70 साल में जहां हिंदुओं की आबादी तेजी से घटी तो वहीं मुसलमानों की जनसंख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। पिछले 70 साल में हिंदुओं की आबादी 84.68% से घटकर 78.06% हो गई, यानी करीब 6% कम, जबकि इसी दौरान मुसलमानों की आबादी 9.84% से बढ़कर 14.2% हो चुकी है, यानी 4.36% का इजाफा। जाहिर है ये वही आंकड़ा है जिस पर 2054 को लेकर इतनी बड़ी आशंका जताई जा रही है। बीजेपी के कुछ नेता लंबे समय से पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर कड़े कानून की मांग कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल इसे राजनीति से जोड़कर देखते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत में बाकी देशों की तरह पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू करने का वक्त आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।